देखो, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहाँ काम आएगा इसको समझते हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था अभी, जिसमें हम कई बैटरी सीरीज में है या पैरल में है, हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते थे। तो काफ़ी लोग समझते हैं कि जब इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल रहे हैं तो हम सेल्स को सीरीज में और पैरल में तो डिस्कस कर ही चुके हैं ना, ये प्रॉब्लम वो नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि मैंने आपको कुछ सेल्स दिए, मैंने कहा कि एक सेल है और मान लो एक रिमोट में डालने हैं या रिमोट बनाना है। आपने देखा होगा, कई खिलौने भी देखे होंगे, रिमोट भी देखा होगा, कईयों में दो सेल्स पैरल में लगते हैं। पुरानी टॉर्च है, एक के पीछे एक के पीछे एक सेल डलता है, सीरीज में लगते हैं। कोई टॉय है, उसमें चार सेल तो सीरीज में लगे हुए हैं और ऐसे चार और रोज भी हैं, तो चार पैरल में चार सीरीज में, पूरा ग्रिड बना होता है सेल्स ही सेल्स का। भाई कैसे डिसाइड होता है, हम सेल्स को ऐसे ही रखेंगे जगह देख के कि नहीं यहाँ ऐसे रख देते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा होगा। कोई लॉजिक भी तो होता होगा कि नहीं इसको सीरीज में लगाना है, अलग कनेक्शन में पैरल में लगाना है या मिक्स ग्रुपिंग में लगाना है, तो कोई लॉजिक है इसमें। तो ये टॉपिक ये बताता है कब आप सेल्स को सीरीज में लगाते हैं, कब आप पैरल में लगाते हैं और कब आप मिक्स ग्रुपिंग में लगाते हैं। तो सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज, सीरीज के अंदर मैंने सेल्स को लगाया ई ई ई करके, एन सेल्स मैंने लगाए। तो जब मैंने सेल्स को सीरीज में लगाया तो इसकी टोटल ईएमएफ क्या होगी, बोलो, ई प्लस ई कितने टाइम्स, एन ई। और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, बोलो, एन आर एन आर। तो पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, बोलो, टोटल करंट जो होगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब डिसाइड कैसे किया कि ये सीरीज है या पैरल है, सही आंसर देगा कि नहीं देगा। तो लॉजिक इसके पीछे ये है, मान लो आपके पास एक सेल है, वो सेल एक एम्पियर का करंट बाहर निकालता है, और मान लो आपके पास पांच सेल्स हैं, आप पांच सेल्स को इकट्ठा यूज करना चाहते हैं, तो आप ये चाहेंगे कि अगर एक सेल एक एम्पियर करंट बाहर निकालता है तो पांच सेल्स मिलके पांच एम्पियर निकालें, तभी तो मैक्सिमम करंट बाहर निकलेगा, तभी तो फायदा होगा। पांच सेल लगाने के बाद अगर दो ही एम्पियर करंट बाहर आया, फिर तो पांच सेल्स खराब ही हो गए ना हमारे। तो हमें करंट को क्या करना होता है, मैक्सिमम। तो हम अरेंजमेंट ऐसा ड्रॉ करते हैं, चाहे वो सीरीज में हो, चाहे पैरल में हो, चाहे मिक्स्ड में हो, कि हमें आउटपुट जो करंट है वो क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है। और कंडीशंस हैं, कंडीशन क्या है, कब सीरीज में लगते हैं सेल्स। कंडीशन ये है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत 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 बड़ी है, फिर तो ये सेल्स सही आंसर या सही रिजल्ट या सही मैक्सिमम करंट किसमें देंगे, जब कनेक्टेड होंगे इन सीरीज। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटी है तो किसमें कनेक्शन होगा, इन पैरेलल। और अगर बराबर हैं तो फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग, कुछ सीरीज और कुछ पैरेलल, ये इसका बेस है। करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपने इसमें करंट निकाल लिया, आपको करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और क्या कंडीशन है, अगर कैपिटल आर की वैल्यू बहुत बड़ी है एन आर से, तो कॉम्बिनेशन किस में लगेगा, सीरीज, तभी हमने सीरीज में लगाया। तो अगर कैपिटल आर बहुत बड़ा है एन आर से, तो इन एन आर के मुकाबले एन आर बहुत छोटा है, कैन बी निगलेक्टेड। तो इसको निगलेक्ट कर दिया, बहुत छोटा है, तो करंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आई, बस ये आ गई। तो ये क्या आ गया, मेरे पास करंट रह गया। क्लियर है यहां तक, अप्रोक्सीमेट करंट आ गया कंडीशन के साथ। अब सोचो अगर इसमें कितने सेल्स होते, सिर्फ एक सेल होता, अगर एक सेल होता, एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वन, तो करंट कितना आएगा, वन इंटू ई डिवाइडेड बाई आर। तो ये आएगा करंट ड्यू टू सिंगल सेल, आई एस का मतलब करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो सिंगल सेल का करंट आ गया, अगर सिंगल सेल का करंट ई बाई आर है और टोटल करंट आई है, तो आई की वैल्यू में काम करते हैं, ई बाई आर को पुट कर लेते हैं कितना, आई एस। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, अगर एक सिंगल सेल एक एम्पियर करंट देता है, हमारे पास पांच सेल्स हैं, तो देखो टोटल करंट क्या आ रहा है, पांच इंटू एक, पांच एम्पियर, तो करंट आ गया ना मैक्सिमम। तो ये प्रूफ है कि
कि देखो किस तरीके से हमने सीज में लगाया और कंडीशन को अप्लाई किया, कंडीशन लगा के हमने प्रूव किया कि ये करंट आया, इसको निगलेक्ट किया तो ये टोटल करंट आ गया अप्रोक्सीमेट, सिंगल सेल के लिए n इज इक्वल टू 1, इसको उठा के यहाँ पुट करके ये आंसर आ गया। तो ये एज सच कोई प्रूफ करने को नहीं आता पेपर में, प्रूफ करके दिखाओ ये सीरीज है, आपके नॉलेज के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन आता है मिक्स ग्रुपिंग पे, मिक्स ग्रुपिंग का ही क्वेश्चन आएगा, वो क्या आएगा वो दो क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, वैसे क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो ठीक। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मान लो आपके पास ये सेल्स पैरेलल में है, पैरेलल में आज हमने किया इक्विवेलेंट बैटरी का क्वेश्चन कि सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, तो टोटल ई एम एफ बोलो इसकी क्या होगी, ई ई ई करके ई आएगी, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, 1/r करते करते कितने टाइम्स, m टाइम्स। तो यानी कि सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो m इंटू 1/r, यानी कि r डैश की वैल्यू क्या आएगी, r/r। क्लियर है यहाँ तक? तो सभी सेल्स को अगर मैं एक सेल में कन्वर्ट करूँ तो टोटल ई एम एफ क्या आएगी, e, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगी, r/m। तो पूरे सर्किट में करंट क्या आएगा, करंट आएगा ई एम एफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें इंटरनल बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, सीरीज में एक्सटर्नल बड़ी थी, इंटरनल में ये बड़ी है, तो इसका मतलब दिस कैन बी निगलेक्टेड, निगलेक्टेड किया तो ये टर्म आ गई, इसको रीअरेंज किया तो ये टर्म आ गई, दिस इज करंट, टोटल करंट अप्रॉक्सीमेटली अगर कंडीशन को मैंने अप्लाई किया। और ऐसी अगर एक सेल होता तो m की वैल्यू क्या पुट करते, 1, तो आपके पास करंट ड्यू टू सिंगल सेल क्या आता, e/r, वही सेम रिजल्ट है, e/r को वापस यहां पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, m into is। तो यानी कि अगर एक सेल 4 एम्पियर करंट देता है और ऐसे 5 सेल्स हैं तो ऐसे रिजल्ट से क्या आएगा, 5 × 4 20 एम्पियर मैक्सिमम करंट बाहर आएगा, तो ऐसा कुछ रिजल्ट है। लेकिन असली जो पेपर में आता है वो मिक्स ग्रुपिंग आती है, इसका प्रूफ नहीं आता, इसका न्यूमेरिकल आता है। पर न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक फॉर्मूला नोट करना है, इसमें बताता हूं क्या। अब हमने सेल्स को किस में लगा दिया, मिक्स्ड में। मिक्स्ड में कैसे, एन सेल तो सीरीज में और ऐसे कितनी रोज हैं, एम रोज हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें एन 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 सेल्स हैं तो इसकी ईएमएफ क्या होगी, एन ई, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, एन आर, इसकी भी क्या होगी, एन ई, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, एन आर, इसकी भी क्या होगी, एन ई, इंटरनल क्या होगी, एन आर। तो अब ये एनी सेल लगेंगे और पैरेलल में है तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू भी इसमें क्या आएगी, एनी, पैरेलल में ईएमएफ रिमेंस सेम, तो एन इनटू ई हो गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस में ये सब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस में 1/nr कितने टाइम्स है, ये m टाइम्स है। तो 1/r' किसके इक्वल होगा, 1/nr इंटू कितना, m। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, r' आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल ईएमएफ कितनी है, एनी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? टोटल करंट आ गया, ठीक। M नंबर ऑफ ये रोज हैं ऐसी, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, nr और कितने टाइम्स है, m टाइम्स। तो सोचो 1/nr कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो m into 1/nr इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। तो टोटल करंट निकाल लिया, टोटल ईएमए बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है टोटल करंट? यस सर, ठीक। तो इसमें टोटल करंट आ गया, इसमें m एलसीएम लो, सॉल्व करके ये आ गया, ठीक। अब मुझे करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम, मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम करंट लाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, जितना कम से कम होगा उतना ही करंट मैक्सिमम होगा। तो मैंने साइड पे डिनोमिनेटर लिख दिया, तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मिनिमम। डिनोमिनेटर को मॉडिफाई करके लिखा, कैसे,
पहली टर्म को लिखा अंडर रूट ऑफ एन आर का स्क्वायर, दूसरी टर्म को लिखा अंडर रूट ऑफ एम आर का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी, कोई फर्क नहीं, इससे एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट। इसके अंदर अगर आप ये टर्म को मिनिमम करना चाहते हो तो ये टर्म इन दोनों का बना हुआ है, तो इन दोनों टर्म में अगर ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये टर्म जीरो हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, मिनिमम। तो अगर ये टर्म को जीरो करते हैं तो स्क्वेयरिंग करते हैं सॉल्व करके ये टर्म आ जाती है। अब अगर ये टर्म जो आई, ये करना मतलब पूछा नहीं जाता आपको, ये फॉर्मूला याद करना है क्या, कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो डिनोमिनेटर मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है, और ये कंडीशन है क्या, ये कौन सी रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, और ये कौन सी रेजिस्टेंस है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट ये आ गया कि मिक्स ग्रुपिंग के अंदर करंट मैक्सिमम कब होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू सारे सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मिक्स ग्रुपिंग लगती है। तो आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला याद करना है कि मिक्स ग्रुपिंग के अंदर करंट वो पूछेगा कब मैक्सिमम होता है, तो कब होता है, जब कैपिटल आर किसके इक्वल होता है इंटरनल, और इंटरनल का फॉर्मूला क्या होगा, एन आर बाय एम। क्या रिजल्ट याद रहेगा, तो एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, दूसरा वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि क्योंकि टोटल करंट इसके इक्वल है और करंट की वैल्यू अगर मैक्सिमम करनी है तो कैपिटल आर एन आर बाय एम के इक्वल है, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने को आ जाए तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी जगह कैपिटल आर पुट कर लो, एक ही बात है, चेक करो क्या स्टेप समझ में आया, क्योंकि ये वाली टर्म इसके इक्वल है तो ये टर्म कैपिटल आर है, कैपिटल आर मिला के क्या होगा 2R, तो करंट क्या आ गया मैक्सिमम, तो न्यूमेरिकल आएगा फाइंड मैक्सिमम करंट, तो बोलो मैक्सिमम करंट। या ऐसा भी कर सकते हो, मैक्सिमम करंट कैन बी इक्वल टू एनी, ऐसा भी कर सकते हो एन आर बाई एम को ऐसी रखो, कैपिटल आर को पुट कर दो एन आर बाई एम, तो भी मैक्सिमम करंट है, कोई मर्जी यूज कर लो। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इस पे आते हैं, बस इसके ऊपर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है यहां तक। तो अब एक काम करना है, हमने ये लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है, ये रहा मैक्सिमम करंट लिखा हुआ है इसमें, राइट। तो हम ना एक शीट कर रहे थे अभी, और शीट का नंबर क्या था, सेल्स वाला 12, उसमें जो तीन क्वेश्चन बचे हुए थे ना, ये वाले, ये देखो, पहले ये करते हैं, पहले ये करते हैं, 10th क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, 12 सेल्स हैं, ठीक है, 12 सेल्स हैं, टोटल 12 सेल्स हैं, ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, ठीक है, स्मॉल आर गिवन है, ई गिवन है, आर अरेंज्ड एम रोज ईच कंटेनिंग एन सेल्स, तो साफ पता लग रहा है मिक्स ग्रुपिंग है, मिक्स ग्रुपिंग है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन एंड एम, एन बताओ और एम बताओ कितना होगा, विच इन विच कॉम्बिनेशन वुड सेंड मैक्सिमम करंट, मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल, लिख ली, कितने सेल्स हैं 12, तो एन इंटू एम, एन इंटू एम का मतलब क्या है यहां पर 12, टोटल नंबर ऑफ सेल्स 12 है, तो एन और एम डिस्ट्रीब्यूटेड है, एन इंटू एम कितना है 12, क्लियर है, और ये कंडीशन भी लगेगी क्योंकि मिक्स ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम करना है, तो ये कंडीशन लिख ली। इस क्वेश्चन में कैपिटल आर गिवन है, स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन है, एम को मैंने यहां से क्या पुट कर लिया 12 बाई एन, सॉल्व करके क्या आ गया एन आ गया, डन, एन आ गया तो एम आ गया, ये क्वेश्चन आता है एन और एम कैलकुलेशन करने का। तो पॉइंट समझ में आया, मिक्स ग्रुपिंग में देगा आपको, और मिक्स ग्रुपिंग में फॉर्मूला ही एक लगना है, और ये फॉर्मूला है बस। आपको अगर सीरीज आ गया तो सीरीज में देगा ही नहीं, क्योंकि अगर सीरीज में आ गया फिर आपको पता है कि सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट बैटरी का कॉन्सेप्ट लग जाता है, सारी बैटरी को उठा के एक बैटरी लगा लो आंसर। अगर पैरेलल में आ गया तो हमने किया ना इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल, वो भी आ जाए, पर मिक्स्ड ग्रुपिंग आया फिर ये लगेगा, और क्वेश्चन आएगा तो मिक्स ग्रुपिंग पे ही आएगा, क्लियर है यहां तक, मेथड समझ में आ रहा है। जैसे इसे पहले वाला क्वेश्चन है, 36 सेल्स हैं, 36 सेल्स हैं, बोल नहीं रहा सीरीज या पैरेलल है, 36 सेल्स हैं, ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर गिवन है, ईएमएफ गिवन है 1.5, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर भी गिवन है, फाइंड बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग, ताकि करंट मैक्स, बेस्ट क्या होता है जिसमें करंट मैक्सिमम हो, तो
तो बेस्ट मोड में क्या करेंगे? मिक्स ग्रुपिंग, आप कहोगे क्या पता सीरीज की प्रॉब्लम हो, हाँ कोई बात नहीं, अगर सीरीज की प्रॉब्लम होगी तो एम ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा, अगर पैरल की प्रॉब्लम होगी तो एन ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा। तो इसलिए अगर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मिक्स से, मिक्स में क्या है 36 सेल्स हैं तो एन इंटू एम का मल्टीप्लीकेशन कितना है 36, क्योंकि मिक्स ग्रुपिंग है तो एक्सटर्नल इंटरनल के इक्वल है, तो कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, एन बाई एम की रेशियो आ गई, ये भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, इनको सॉल्व करके एन और एम कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया। तो मिक्स ग्रुपिंग में फॉर्मूला एक ही यूज होना है, मैं बता रहा हूँ आपको, और वो ये फॉर्मूला है, बात खत्म। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका होमवर्क है, होमवर्क लिखें, ये अगली बार ये आप करके आएंगे और मैं इसमें से डाउट लूँगा, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा एक सब्जेक्टिव शीट है 13, सब्जेक्टिव शीट है 13, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं सीरीज एंड पैरल के जो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं या पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, तो ये आपने एज अ पूरी शीट एज अ होमवर्क करके आनी है, एनसीईआरटी की शीट है, तो ये दो शीट्स का काम आपने कंप्लीट करके आना है, मैंने इसमें से डाउट्स लेने हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है?